डे स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वे आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्कूल एज एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन स्कूल आर इम्पॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन एज दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरड अपॉरचुनिटीज ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन एंड इंट्रैक्शन विद द पीयर्स एंड अडल्ट आउटसाइड द फैमिली कॉन्टेक्सट जैसे ही हम फैमिली इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं थोड़े बड़े होते हैं हमारी सेकेंडरी सोशलाइजेशन के प्रोसेस स्टार्ट होते हैं और हम स्कूल जाना शुरू होते हैं तो ऐसा नहीं है कि स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ टीचर्स जो हैं वही हमारे लिए सोशलाइजिंग एजेंट बनते हैं बल्कि हम अपने इर्द गिद के माहौल से सीखते हैं वहाँ की एक्टिविटीज़ से लर्न करते हैं और इस सारे प्रोसेस के अंदर जितने लोगों से भी हमारा इंटरेक्शन होता है उन सब से हमारी लर्निंग होती है वो सारे हमारे उस सोशलाइजेसन प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं तो बच्चे के लिए लर्निंग की ये स्टेज और ये इंस्टीट्यूशन भी बहुत इम्पॉटेंट होता है स्कूल uh, का जो तस्वर है हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये आलमोस्ट सारी सोसाइटीज़ के अंदर रहा है हाँ मॉडर्न सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के तौर पे वजूद में आया है लेकिन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में या हिस्टोरिकल सोसाइटीज़ के अंदर हमारी क्लासिकल हिस्ट्री के अंदर ह्यूमन हिस्ट्री में ये इंस्टीट्यूशन किसी न किसी फॉर्म में इनफॉर्मली ज़रूर मौजूद रहा है प्राइमरीली जो बच्चे की एजुकेशन की जिम्मेदारी होती थी वो फैमिली इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही होती थी फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जगह जो है वो उस्ताद ने ले ली और जो कि पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड लोग होते थे अपनी फील्ड के अंदर और वो बच्चों को आके तालीम दिया करते थे जब मॉडर्न सोसाइटी की हम बात करते हैं तो मॉडर्न सोसाइटी चूँकि फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का नाम है तो इस वजह से स्कूल भी एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के तौर पे वजूद में आया और इस इंस्टीट्यूशन में बच्चे को बचपन से जो तरबियत के मौ, मौक़े हैं वो मैसर आते हैं ये दोनों तरह की तरबियत होती है आपके स्किल्स के के हवाले से भी और इसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से भी तो इन पाकिस्तान स्कूलिंग माई ट्रांसमिट वैल्यूज़ related to education, social hierarchies and national identities. तो ये ना सिर्फ आपको इस तरह की जो professional skills हैं या life skills हैं schools वो सिखाते हैं बल्कि आपके अंदर जो national identity है उसको भी construct करते हैं हम पाकिस्तान में देखते हैं जैसे हमें बचपन से जो है वो कौमी तराना सिखाया जाता है जो हमारा national anthem है और इसके साथ साथ हमारा फोकस जो होता है वो उस रिलीजियस एजुकेशन के ऊपर भी होता है ताकि बच्चे की लाइफ आइडियोलॉजी जो है वो इस वक्त के साथ साथ बचपन से ही जो है बिल्ट अप होना शुरू हो जाए दैन स्कूल ऑल्सो टीच आ रेंज ऑफ कोगनेटिव एंड सोशल स्किल्स एज रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोलेक्टिव और टीम वर्क तो स्कूल में जा के बच्चा सबसे पहले जो है वो लिखना सीखता है पढ़ना सीखता है अल्फ़ाबेट्स बेसिक अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो किस तरह से बनाने हैं ये सारी चीज़ें सीखने के साथ साथ जो लॉजिक होती है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है इस ये भी आपके अंदर ट्रांसमिट की जाती है और मोर इम्पॉर्टेंटली कि टीम वर्क या कलेक्टिव बिहेवियर जो है वो भी सिखाया जाता है कि जब आप किसी कलेक्टिविटी के अंदर हैं तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए एज़ अ टीम मेंबर आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि एज एन इंडिविजुअल तो आप बहुत सी चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं घर के अंदर जो आपकी सोशलाइजेशन हुई होती है उसमें ज़्यादातर जो है वो आपकी एक इंडिविजुअल बीइंग के तौर पे सोशलाइजेशन होती है लेकिन स्कूल के अंदर आके आप एक चूके ख़ास में होते हैं आपके बाकी फैलोज़ भी होते हैं क्लास फेलोज़ भी होते हैं उनके अंदर कॉन्टेक्स में आपको बिहेव करना सिखाया जाता है कि दूसरे बच्चों के साथ किस तरह से बात करनी है अपने टीचर के साथ किस तरह से बात करनी है खेल के दौरान आपने कैसे बिहेव करना है सो स्कूल इज द इन्वायरमेंट दैट कैन आल्सो शेप द स्टूडेंट्स सोशल आइडेंटिटीज़ एटीट्यूड्स एंड रिलेशनशिप्स विद द पीयर्स एंड अथॉरिटी फिगर्स तो जैसे कि हमने पहले बात की कि आप ना सिर्फ अपनी अथॉरिटी फिगर्स जो आपके टीचर्स होते हैं उनसे किस तरह से बिहेव करना है उसके बारे में सिखाया जाता है बल्कि अपने फैलो बीग्स के साथ आप कैसे बिहेव कर सकते हैं सो इन अ नेचुरल School plays a very important role as a socializing agent, not only in modern society, but it has been available in some form or the other in the traditional societies as well.